कृष्ण की बहन की ब्याह अर्जुन से और अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से, तब भी हम सब लोग रिश्तेदार हैं। शिव ने तीनों मूलवासी आदिवासी जो कबीला था तीनों की कन्या से विवाह रचा के वसुदेव कुटुंबकम की बात की, तब भी हम हर वर्ग का और हर वर्ण का हर विचारों का सम्मान इस दुनिया में हुआ। सुदामा ने जहर पी लिया ना, हो कृष्ण को गरीब नहीं ना बनने दिया और राजा से रंग सुदामा हुए ना, इसको गाली देता। और उस लेखनी को यदि सामाजिक संदर्भ में आज के आरक्षण महिला बिल के बाद यदि उस संदर्भ का एक प्रोफेसर उसी बात को न उद्धृत करेगा कि उसने खुद कहा कि ये जाति पर नहीं लेना जी, खुद पहले बोल दिया और हो भी नहीं सकता। आज भी हमें लड़ना होगा समाज के 85% लोगों के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी जाति धर्म को गाली दे। कभी गीता को गाली, कभी रामायण को गाली, कभी कुरान को गाली। सदन में जिस तरीके से मां बहन कटुआ कहा गया, ये भारत में ही संभव है ना हो। जिस तरीके से आज बीजेपी या अन्य लोग लगातार इसको काट दो उसको कर दो, ऐसे लोगों को राजनीति से रोकना चाहिए। इसके पीछे बड़ी शक्ति है जिसमें बीजेपी की भूमिका है। प्रेमचंद जी यदि जिंदा होते तो शायद सूली पर लटक गए होते। जितना ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखा गया आज तक जितना, लेकिन जितना दलित और का शोषण हुआ, कभी दलितों ने तो जवाब नहीं दिया, कभी अत्याचार और जुर्म तो नहीं हुए। यदि इतने बड़े समुदाय से आने वाले नेता जो जीव खींचने से लेकर सर्व कलम करने की बात कभी नहीं कही ब्राह्मणों के किसी नेता कि सर कलम कर देंगे, यदि वो अपने अस्मिता से जोड़ लिए होते जितना आज तक हमला हुआ ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद पर, तब तो खून की नदियां कभी भारत एक नहीं होता, करीब कभी भारत सही सुनता से नहीं चलता। ये खेल जाति के अस्मिता का नहीं है, ये राजनीति की अस्मिता का है। ये जाति की अस्मिता का खेल हो ही नहीं सकता। मेरा भगवान बिरसा मुंडा से लेकर पेरियार, सावित्रीबाई फूले, महात्मा फूले, संत रविदास, वाल्मीकि, दुनिया में मूलवासी आदिवासी शिव से लेकर के महाभारत के कृष्ण तक, मेरा सवाल इस देश के बौद्धिक लोगों से है, अर्जुन क्षत्रिय थे, युधिष्ठिर क्या थे? ब्राह्मणों जानते ब्राह्मण, न पांचों भाई नकुल सहदेव क्या थे? शूद्र बस। भीम क्या थे? सिर्फ अर्जुन को ही क्षत्रिय क्यों कहा गया? युधिष्ठिर क्षत्रिय की कतार में खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने अंतिम सत्य जो ब्रह्म का रूप है और जीवन का जो रूप है उसको समझने में पीछे वो नहीं रहे। सारे विचारों का, सारे जातियों का, वर्ग का, व्यवस्थाओं में सबसे अधिक सम्मान यदि ब्राह्मणों जानति ब्रह्म का है तो शूद्र जिसने मानव जीवन के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह भी श्रेष्ठ कर है। कृष्ण की बहन की शादी हुई अर्जुन से, यदि हम उसे क्षत्रिय के राजपूत समाज कहते हैं और कृष्ण को जादव कहते हैं तब भी जाति नहीं है। कृष्ण की बहन की ब्याह अर्जुन से और अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से, तब भी हम सब लोग रिश्तेदार हैं। शिव ने तीनों मूलवासी आदिवासी जो कबीला था तीनों की कन्या से विवाह रचा के वसुदेव कुटुंबकम की बात की, तब भी हम जाति नहीं है, तब भी हम लोग सब एक हैं। हर वर्ग का और हर वर्ण का हर विचारों का सम्मान इस दुनिया में हुआ है,
चाहे वो ब्राह्मण हो जाति के आधार पर, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो। अब वैश्य को आप भारत और विश्व के निर्माण में जमीन से लेकर के व्यापार तक, यदि किसी ने राष्ट्र निर्माण और मानव निर्माण में जीवन को गति देने का काम किया तो वो वैश्य है, उसका अपना इतिहास है। आप किसको गाली दे रहे हैं? सुदामा ने जहर पी लिया ना हो, कृष्ण को गरीब नहीं ना बनने दिया, और राजा से रंग सुदामा हुए ना, किसको गाली देंगे आप? आप हमको बताइए। रामायण में राम हमारे आराध्य हैं और सबसे बड़े उत्कृष्ट कैरेक्टर है, तो वाल्मीकि जी को कैसे भूल जाइएगा, और तुलसी की उस रचना को कैसे भूल जाइएगा जिसको तुलसी ने उस रामायण को घर घर पहुंचाने की सरल भाषा में की। तो तुलसी की भूमिका, वाल्मीकि की भूमिका और राम का विचार और संघर्ष हमारे जीवन की आत्मसात शक्ति है। केवट को रामायण से अलग कर सकते हैं, उसकी भूमिका क्या है? कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा समाज जिसका इतिहास न हो, आप हमको बता दीजिए। बात करूं सदगु बड़े ऋषि मुनि हुए जो त्याग सबसे बड़े, ऋषि दधीचि पर अत्याचारी राक्षसों का वध कौन था? त्रेता युग में यदि मैं बात करूं, परशुराम अपने प्राणों की चिंता करके समाज के कल्याण की बात यदि उसने की, तो फिर आप यदि यह कहिएगा तो वहां यदि सबसे बड़ा शोषण का कारण कोई दो आदमी था तो उसको जाति से जोड़ दीजिएगा। तो परशुराम जी को यदि ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग मानते हैं, तब तो स्वर्ण की कथा और पटकथा लिखी ही नहीं जाएगी। कब आया यह स्वर्ण? परशुराम भगवान ने जिस अत्याचार के खिलाफ लड़ा, भले आज उसको जाति का भगवान मान दिया, आप उसको क्या कहिएगा कि क्षत्रिय राजपूत का विरोध किए थे वो, कि उस व्यवस्था का विरोध था। हर तरह को जो जिस तरीके से आप यदि योद्धा की होगी तो भगवान पर द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा की बात आप कहां छोड़ दीजिएगा। राजा दाहिर जो सिंध के राजा थे, 712 ईस्वी में अरबी खलीफा के उद्देश्य से जो निरंतर कभी हार नहीं माने, उसको क्या कहिएगा। समुद्रगुप्त ब्राह्मण कुल से ही थे, जो नेपोलियन कहा जाता था इंडिया का, उसको क्या कहिएगा, आप हमको बता दीजिए। और उसी तरह 60% से ज्यादा युद्ध लड़के 70% भूभाग बचाने वाला बाजीराव सदाशिव, आप राजा पेशवा को क्या कहिएगा, आप हमको बता दीजिए। यदि नरम दल की बात करूं, उमेश चटर्जी, राजा लक्ष्मेश्वर दरभंगा, नरसिंह दास थानवी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद वल्लभ पंत, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के इतिहास को क्या कहिएगा। यदि गरम दल की बात करूं तो मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मी बाई, राम प्रसाद बिस्मिल, गणेश शंकर विद्यार्थी, वीर सावरकर, राजगुरु को आप क्या कहिएगा। यदि समाज सुधार की बात होगी तो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद सेन और ईश्वर चंद विद्यासागर की अतुल्य महापुरुषीय को क्या कहिएगा। और यदि आधुनिक शिक्षा लाने की बात होगी तो पंडित मोहन मालवीय को क्या कहिएगा, अब हमको जरा बताइए। ये कब तक सदन में आप गाली दे रहे हैं, एक राज्यसभा को माया महान कर रहे हैं, कटुआ तो क्या क्या बोल रहे हैं। क्या ये सदन प्रेमचंद मुंशी और वाल्मीकि जी के उस कविता और उस लेखनी को यदि सामाजिक संदर्भ में, आज के आरक्षण महिला बिल के बाद, यदि उस संदर्भ का एक प्रोफेसर उसी बात को न उद्धृत करेगा, जबकि उसने खुद कहा कि यह जाति पर नहीं लेना, जी खुद पहले बोल दिया और हो भी नहीं सकता। आधुनिक भारत की कल्पना करने में किसी जाति और धर्म को, मजहब को आप कमजोर नहीं देख सकते हैं।
और ये सही है कि आज भी दलित, आज भी जो गरीब है, वंचित है, निषाद है, मल्ला है, केवट है, नुनिया है, शर्मा है, झोला है, शाह है, चंद्रवंशी है, कमार है, कुम्हार है, आज भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से उसके पेट खाली है, उसका स्कूल खाली है, उसकी आर्थिक स्थिति बुरी है। उस संदर्भ में यदि महिला आरक्षण बिल में एसटी एससी अत्यंत पिछड़ा पिछड़ा और माइनोरिटीज की भूमिका को आपने दबाकर आने भाने में आपने जबरदस्ती 4 दिन का एक बिल लाया और उसमें आपने 33 के बिना जाति जनगणना और परिसीमन के, आप बिना जाति जनगणना और परिसीमन के आप आरक्षण बिल ला करके, यदि आप 85% उस वर्ग को, जो वर्ग को लगातार बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, पटेल जैसे लोगों ने जिस तरीके से एक कांग्रेस की सरकार में आरक्षण ला करके एक बराबरी की बात की और समय काल पात के अनुसार हर व्यक्ति को चलना पड़ता है, अभी हमने 11% गरीब ऊंची जात के लोगों को भी आरक्षण दिया। ये समय काल पात की डिमांड थी और ये देना पड़ेगा क्योंकि हमारी भागीदारी बढ़ेगी, उसकी भी हिस्सेदारी बढ़ेगी। भागीदारी और हिस्सेदारी, ये दोनों को समझने की जरूरत है। हम लोग गाली गलौज पर उतरे हुए, हमको एक बात समझ में नहीं आता कि हम लोग कौन सी बात करते हैं जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि राजा इस लड़ते थे, सर इस हिंदुस्तान में 1% राजा को छोड़ दूं, 99% राजा अपने किला को बचाने की लड़ाई लड़ा और 200,000-400,000-500,000 घोड़ा में आदिवासी वह वर्ग होता था जो कृषक वर्ग था, जो कमजोर था, लड़ने का काम वो किए, किला बचाने का काम वो किए, आप उसकी भूमिका और योगदान को कैसे छोड़ दीजिएगा? आप हमको ये बता दीजिए। मैं हमेशा से कहा हूं कि हमेशा से कंस और कृष्ण के बीच खात्मा का की परिपाटी आई है। हम आपको बहुत क्लियर बता दें, अंतिम सत्य ईश्वर या परम ज्ञान, इसी को कहा गया ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति नहीं थी, ईश्वर का ज्ञाता, ईश्वर को जो समझने का लगातार प्रयास किया ऋषि मुनि काल से लेकर के आज तक, कोई जाति नहीं थी। आप दधीची दान लेने पे आया, सुदामा परीक्षा लेने पर आया, ब्रिग तपोबल पे आया, कपिल मुनि अहंकार को दबाने पे आया, अगस्त मुनि धर्म को बचाने पे आया, आदि शंकराचार्य दीति पे चाणक्य नेतृत्व करने पर आया, मंगल पांडे क्रांति और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस तो ब्राह्मण थे, आप चंद्रशेखर, सुखदेव, विनायक दामोदर, बाल गंगाधर तिलक, लक्ष्मी राय, राजेंद्र प्रसाद, पंडित बिस्मिल, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, राजीव दीक्षित, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शिवराज राजगुरु, विनोबा भावे, गोपाल गोखले, कर्नल लक्ष्मी सहगल, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर शंकर दयाल, रविशंकर व्यास, मोहनलाल पांड्या, आप किसी को उठा के देखिए। तुलसीदास ने रामायण को जनसाधारण भाषा में लिखा, खगोल और गणित शास्त्र इन दोनों छात्र में आर्यभट्ट के महत्वपूर्ण योगदान, स्मरण भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा, बड़ामी हरमी ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी में के भारतीय गणितज्ञ के खगोल के थे। इतने 3 महत्वपूर्ण पुस्तक ब्रिजातक, ब्रिजसंहिता और पंचशीलनीतिका लिखी, इन पुस्तकों में त्रिकोणात्मी महत्वपूर्ण सूत्र दिए, महान राजनीतिक कौटिल्य चाणक्य को कौन भुला सकता है? आप हमको बता बताइए। मौर्य साम्राज्य में नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे महान योद्धा का उदय कब हुआ? संस्कृत भाषा के जन्म देने में ब्राह्मणों जानती ब्राह्मणम की उस वक्त की भूमिका, कालिदास चीन जिन्हें प्राचीन भारत का सबसे बड़ा नाटककार कहा गया, विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभ माने गए, महेश दास जो बीरबल के नाम से अधिक प्रसिद्ध है,
मुगल बादशाह अकबर के दरबार के प्रमुख वजीर और अकबर के परिषद के 9 में से एक थे। आप उठाइए कि क्या है, आप किसको भूलेंगे जो गाली गलौज हमेशा इस अर्थ के समय में भी आप जो लगातार गाली गलौज करते जा रहे हैं सभी लोग, हम अर्थ की बात कम करेंगे, हमको तो समझ में नहीं आता है कोई जब कोई बात करता है इस तरीके से भाषा की, तो जरा एक बात बताइए दुनिया में कौन सा शासक, कौन सा महाराणा प्रताप, कौन सा ऐसा शासक जो क्षत्रिय थे या यदु थे या कृष्ण थे या कोई थे या राम थे, उन्होंने बदलने की तारीख तय की कि बदला लेने की तारीख तय की? कब बदला लिया गया कृष्ण के द्वारा, कब बदला लिया गया राम के द्वारा? हमेशा शासक और मानवीय मूल पे जीने वाला व्यक्ति बदलने की तारीख लिखता है। अब हम पल पल गला काट रहे हैं, एक तो कौन अचकोल बचकोल है वो कहता है कि 2 मिनट में गला काट देंगे, कोई कहता है गले काट देंगे, कोई कहता है खून की नदियां बहा देंगे, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। अरे भाई, हमेशा से आप को समझने का की बात करिएगा ना, आप कोई आदमी अभी नहीं समझेगा तो हम एक बात बहुत क्लियर बता देना चाहते हैं। मैं एक अंतिम में आपको दो चीज, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। इतिहास जो लंबा लंबा बोलता रहता है, ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यह करना करवाना तथा उनका काम दान देना, क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। क्षत्रियों का मतलब क्या, राजपूत, कि क्षत्रियों का मतलब जो लड़ना जानता, ये समझाइए ना। और जब सब एक ही जाति, एक ही रिश्तेदार है, ब्राह्मण का कर्तव्य शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा प्रदान करना, यज्ञ करना, और क्षत्रिय का कर्तव्य अध्ययन करना, यज्ञ करना, भेंट देना। आप उठा करके देखिए, आप इसी तरह सम दम तप पवित्रता क्षमा सरलता शास्त्र ज्ञान अनुभव ज्ञान आस्तिकता, ये है ब्राह्मण के कर्म। ब्राह्मण कभी भी उतावला नहीं हुआ आज तक। फिर मैं कह रहा हूं, सम दम तप पवित्रता क्षमा सरलता शास्त्र ज्ञान अनुभव ज्ञान आस्तिकता, ये है ब्राह्मण का कर्म। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, युधिष्ठिर विदुर श्री कृष्ण भृतिहरि आदि व्यक्ति सम दम त्याग वैराग और ज्ञान की चरम सीमा पहुंचे हुए पुरुष थे ना, कि नहीं थे वो? इसको क्या कहिएगा सबको? हम कई बार आपसे कह चुके हैं कि लगातार जिस तरीके का, मैं यहां के नेताओं को एक आग्रह करना चाहूंगा, याद करिए एक व्यक्ति का जन्म कब हुआ था। पीटर में रिटुजोवर्ग स्टेशन 7 जून 1893, गांधी जी को धक्का मार के रेलवे स्टेशन पर जब गिरा दिया गया था, तो वो लम्हा एक इंसान पैदा किया था और उसी से प्रभावित हुए थे नेल्सन मंडेला। और उसी वक्त साम्राज्यवादी सोच और हिंसा के खिलाफ जूझने का संकल्प एक व्यक्ति ने लिया था दक्षिण अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला से किसी ने पूछा कि आप सबसे ज्यादा गांधी से प्रभावित क्यों हैं? उन्होंने कहा था, क्षमाशीलता और सबको साथ ले चलने की प्रवृत्ति ही गांधी का नाम है। और उसी ने प्रभावित किया। तब नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, जब वो आए सत्ता में तो समदर्शी नीति अपनाए, मूल कबीलाई लोगों के साथ गोरे और भारतीय प्रवासी का एक समान सम्मान स्थान दिया। यही वजह थी कि मातृभूमि के विभाजन के बजाय नेल्सन मंडेला ने विकास को पदवी दी थी। तब क्या हुआ, रंगभेद विहीन लोकतंत्र उन्होंने शुरुआती कदम में उठाई। नतीजा हुआ, दक्षिण अफ्रीका पिछले दशकों में बहुत तेजी से उभरे ब्रिक्स मुल्कों में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का महत्वपूर्ण सदस्य है। आज वो दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला की वो योगदान, कहां नफरत की राजनीति हुई। 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन ने एक बदलाव का फरीज तैयार किया और वहां आए। हम कहां हैं भाई, हम गाली गलौज पर उतारे हुए? जो लोग नाथूराम गोडसे की आज तरह की बात करते हैं, क्या
फर्क है। महात्मा गांधी बीमारी से भी मर जाते तो गांधी होते, नाथूराम गोडसे गोली चला के गांधी को ना मारा होता तो गोडसे को कोई नहीं जान पाता, कोई नहीं, कोई। इसीलिए समूह समाज विचार विचारधारा से ऊपर कुछ नहीं। आप लड़िए, आज भी हमें लड़ना होगा समाज के 85% लोगों के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी जाति धर्म को गाली देकर, कभी गीता को गाली, कभी रामायण को गाली, कभी कुरान को गाली। सदन में जिस तरीके से मां बहन कटुआ कहा गया, ये भारत में ही संभव है ना? हो, कब जन्म लेगा नेल्सन मंडेला? भारत के एक गांधी ने नेल्सन मंडेला को जन्म देकर दक्षिण अफ्रीका को दुनिया का नंबर वन बनाने का प्रयास किया, फिर वही भाषा। आप हमको एक बात और याद रखिएगा, गोडसे के भाई गोपाल ने क्या कहा था, इसको आप ख्याल रखिएगा। गोडसे और गांधी पृथक विचारों के दो प्रतिनिधित्व थे। गोडसे और गांधी के बीच फर्क क्या था, इसको आप समझिए, कायम रहेगा। ये जो विचारधारा है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अभी नेताओं की जो विचारधारा है वह मानवता का नहीं है, लोकतंत्र का नहीं है, संविधान का नहीं है, वह हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आर्थिक आजादी का नहीं है, वह वन नेशन वन हेल्थ वन एजुकेशन का नहीं है, सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। कोई जाति व्यवस्था इसमें नहीं आती है, इससे और क्षत्रियता का जो युद्ध था, पराक्रम था, उसको कुछ गलत लोगों ने इतिहास को और गलत तरीके से समाज में नए जनरेशन में गाली गलौज करके अपमानित किया है। ये गलत है, हमें गर्व है हर विचारधारा के साथ, हर वर्ग वर्ण और जाति के किए हुए इतिहास पर हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरीके से आज बीजेपी या अन्य लोग लगातार इसको काट दो उसको कर दो, ऐसे लोगों को राजनीति से रोकना चाहिए। इसके पीछे बड़ी शक्ति है जिसमें बीजेपी की भूमिका है। जब जब बीजेपी हारती है तब तब हमेशा हर एक दो महीने के बाद ऐसी विचारधारा लाता है, जो सदन में इसके पहले एक राज्यसभा सांसद के साथ किया गया। आज तक हम आपको बोलते हैं इतनी बड़ी घटना के बाद कोई गाली गलौज क्यों नहीं किया? राज्यसभा में उसको मां बहन की गई, राज्यसभा में उसको कटुआ कहा गया, कोई मुसलमान क्यों नहीं गाली गलौज किया? यहां तो जाति पर कोई बात नहीं थी। और जिस तरीके से मैं मनोज झा जी का एज ए पॉलिटिकल एज ए प्रोफेसर बहुत सम्मान करता हूं, वो इतिहास की ही बात करेंगे, गांधी पर जब बम से हमले हुए थे ना, तो सरदार पटेल गए थे सुरक्षा देने, बोला नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और मनोज वाजपेयी को सुरक्षा की जरूरत नहीं है जहां विचारधारा, लेकिन जिस तरीके से मनोज हाजी को, जिस तरीके से करनी सेना के नाम पर, मैं करनी सेना की बात नहीं कर रहा, लगातार उनको फोन पर धमकी, काट देंगे, मार देंगे, जब तक पप्पू यादव और हमारी पार्टी जिंदा है, दुनिया का कोई बड़ा कंस क्यों ना पैदा हो, कृष्ण के अस्तित्व को और दुनिया के श्रेष्ठ कर विचार को कोई मिटा नहीं सकता। पप्पू यादव, हर परिस्थिति में मैं खड़ा हूं, कंस को मिटना ही पड़ेगा। उतावलापन इस देश की मर्यादा नहीं है। हम आए हैं वसुधैव कुटुंबकम के लिए, हम जाने जाते हैं सर्वधर्म संभव के लिए, हम जाने जाते हैं सार्वभौमिकता के लिए।
और हम जाने जाते हैं सहिष्णुता के लिए। नफरत का कोई आधार नहीं है। मोदी जी और भारत के नेता नेल्सन मंडेला से तो सीखो। मोदी जी गोर से गोली चलाकर हत्या करके नाम कमा लेगा, आज भी कई गोर से किसी को गाली, किसी जाति को मां भंग करके अपना नाम कमा लेगा, लेकिन वो इतिहास पुरुष, युग पुरुष नहीं हो सकता है। हम मनोज झा जी के साथ खड़े हैं, स्टैंड के साथ खड़े हैं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी समाज के समुदाय, वर्ग, जाति को के साथ नफरत के आधार पर देखेगा, रामायण हो या गीता, कुरान हो या बाइबिल, मेरे लिए हर विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। किसी को गाली देने वाले के खिलाफ पप्पू यादव से लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। साजिश है तो क्या आनंद मोहन भाजपा से गाड़ी जोड़े हैं? सर मैं नहीं जानता हूँ, मैं भाजपा की बात की, भाजपा के एमएलए, भाजपा के लोग क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोलता है मुझको नहीं पता। पप्पू जी विवाद तो आपके मित्र उनके बेटे ने खड़ा किया। सर मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई हैं युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी तो भाई थे ना। अर्जुन की बहन और कृष्ण की बहन भी तो रिश्तेदार थे ना। यदि तुलसी का महत्व है तो वाल्मीकि का भी दुनिया में महत्व है ना, राम का भी महत्व है ना, एक दूसरे के पूरक हैं। जिस किसी ने भी, मैं समझता हूं कि मैं और लोगों की तरह नहीं बोलूंगा, मैं सलाह भी देने के लायक नहीं हूं, मेरी औकात भी नहीं है, लेकिन मनोज झा जी के साथ उनके सम्मान और उनकी हिफाजत के लिए खड़ा रहने का ताकत और दम मुझ में है। सर एक आदमी कहता है कि जी खींच लेंगे और आप कहते हैं उनको बचाएंगे, तो क्या? सर मैं बचाने की बात नहीं किया, मैंने कहा कि हर तरह के जाति, धर्म, वर्ण और वर्ग और विचारों का सम्मान के लिए पप्पू यादव और हमारी पार्टी मरने को तैयार है। हम किसी जाति और किसी विचारधारा के कारण ना तो किसी का जीव खींचेंगे, ना तो किसी का गर्दन काटेंगे, ना तो खून की नदियां बहाएंगे। खून की नदियां सिर्फ गरीब के लिए बहेगी, गरीबी मिटाने और गरीब को खत्म, गरीब जैसे सब को खत्म करने के लिए खून की नदियां बहेगी, अपनी राजनीति के दुकान के लिए और खुद के महत्वाकांक्षा के लिए नहीं।